स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को। तो आज मैं लेकर आया हूँ किसान भाइयों के लिए सोइलिस 4215 ट्रैक्टर सीरीज, जो सन 2024 का लेटेस्ट न्यू मॉडल। तो बात करेंगे ट्रैक्टर के फीचर्स और कम्युनिकेशन के बारे में। रेड और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में ड्यूअल टोन में काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है। डिजाइन की बात करें तो किसान भाइयों काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर हमारे किसान भाई के लिए यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे करेंगे फ्रंट से बात, तो यहीं पे सामने की तरफ आपको बोनट के ऊपरली साइड में रेड कलर की जाली देखने के लिए मिल जाती है, जो हमारे ट्रैक्टर के लिए ठंडी हवा आसानी से पहुँच सके। यहाँ पर बात करें तो सामने की तरफ सोइलिस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और ब्लैक कलर की ग्रिल के साथ में काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेड लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं लो बीम एंड हाई बीम के साथ में। और यहाँ पे बात करें तो किसान भाइयों सिंगल पीस बोनट के साथ में इस बटन की मदद से ऊपर की जैक सिस्टम द्वारा ओपन कर सकते हैं हमारे किसान भाई आसानी से बोनट को। और यहीं पर बात करें तो कंपनी फिटरेट काफ़ी हैवी ड्यूटी बम्फर देखने के लिए मिल जाता है, जो यहाँ पे हमारे किसान भाई को कोई भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाता है, जो इसको स्ट्रेट एक्सल भी बोल सकते हैं हमारे किसान भाई। और यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ काफ़ी स्टाइलिश ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आगे बढ़ के बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ किसान भाइयों कंपनी फिटरेट DRL भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो रात के समय पर काफ़ी स्टाइलिश लुक निकाल के देते हैं ट्रैक्टर की। कंपनी फिटर काफ़ी स्टाइलिश LED टाइप में DRL देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार कंपनी ने प्रोवाइड किया है ट्रैक्टर। और यहीं पे काफ़ी बड़ी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक कलर के साथ में, जो इंजन तक ठंडी हवा आसानी से पहुँच सके। यहीं पर सामने की तरफ सोइलिस 4215 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और सामने की तरफ E-सीरीज की ब्रांडिंग भी देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाती है। यहीं पे बात करें तो 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी के साथ में किसान भाई ट्रैक्टर आता है, जो कोई भी तरह की झिझकबाजी यहां पर नहीं रहती। कंपनी फिटेड नॉब देखने के लिए मिल जाता है चलने के लिए ऊपर ट्रैक्टर के। और यहीं पर बात करें तो LED टाइप के इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी स्टाइलिश, जो रात के समय पर जड़ते समय पर बहुत ही स्टाइलिश न्यू लुक निकाल के देते हैं ट्रैक्टर की। यहीं पर बात करें तो सामने की तरफ आपको वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो लॉन्ग टाइम तक सर्विस का खर्चा यहाँ पे हमारे किसान भाई को नहीं रहता। यहीं पे बात करें टायर साइज़ की तो 616 का फ्रंट टायर साइज़ देखने के लिए मिल जाता है पावर स्टीयरिंग के अंदर, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने के लिए किसान भाई को मिल जाता है। यहीं पर बात करें इंजन की तो यहीं पर आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है 43 HP की पावरफुल कैटेगरी के साथ में, जो अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट 1800 RPM पे करता है। यहीं पे करें अगर इस ट्रैक्टर की टॉर्क की बात तो 196 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 43 HP की कैटेगरी वाले ट्रैक्टर में बहुत ही ज़्यादा टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो अदर कंपनी इतना टॉर्क अपने ट्रैक्टर में नहीं देती। तो यहीं पर बात करें सामने की तरफ तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम की बात करें इंजन की, तो वाटर कूल्ड इंजन के साथ में किसान भाई आता है, जो हमारे किसान भाई 16, 18, 20 घंटे आसानी से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। भारी से भारी लोड पे भी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे किसान भाई को नहीं आती। और यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ आपको वाटर सेपरेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई का इसका भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। यहीं पर बात करें तो सामने की तरफ आपको डीजल फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। और किसान भाइयों यहीं पर बात करें तो सामने की तरफ आपको वही सोनालिका वाला इंजन ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छी ग्रिल के साथ में, जो यहाँ पे हमारे किसान भाई को कूड़े कबाड़े का खतरा नहीं रहता। और यहीं पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लोहे का टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे बात करें प्लेटफॉर्म की तो काफ़ी स्टाइलिश प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी हैवी ड्यूटी देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है काफ़ी मजबूती के साथ में, काफ़ी अच्छी सपोर्ट के साथ में। यहीं पर बात करें ट्रैक्टर की ऊपर चढ़ के तो सामने की तरफ काफ़ी स्टाइलिश तरीके का व्यू देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है। कंफर्टेबल सीट के साथ में ट्रक के ऊपर बैठ के बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश व्यू देखने के लिए मिल जाता है, सेम कार वाली ही फीलिंग्स ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यहीं पे बात करें अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो यहीं पे आपको 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। डिजिटल डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है फुल्ली डिजिटल, जो हमारे किसान भाई को काफ़ी स्टाइलिश लुक निकाल के देता है LED लाइट के साथ में। सोइलिस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो हमारे किसान भाई को
डिजिटल तरीके से ही जानकारियां यहाँ पे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। सेम कार वाला ही डिजिटल डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हमारा ट्रैक्टर कितने घंटे चल चुका है, कितना ट्रैक्टर के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी बची हुई है, कितना हमारा ट्रैक्टर टेम्परेचर पकड़ रहा है, वो सब डिजिटल तरीके से ही जानकारी ले सकते हैं। और यहीं पर सामने की तरफ आपको LED पार्किंग लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और यहीं पर SL का बटन देखने के लिए हमारे किसान भाई को मिल जाता है। सामने की तरफ हैंड रेस देखने के लिए मिल जाती है काफ़ी बड़ी, और पावर स्टेयरिंग का काफ़ी छोटा स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाता है सेम कार वाला ही। और यहीं पे सामने की तरफ आपको कार वाले ही फीचर्स ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे हॉर्न का, हेडलाइट, साइड इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग के साथ में आता है, जो हमारे किसान भाई को आसानी से फ़ोन चार्ज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सामने की तरफ चाबी की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं, इस गेस की मदद से आसानी से ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं। बात करें क्लच की, तो यहाँ पे भी डुअल और डबल का दोनों का ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर, और काफ़ी स्टाइलिश तरीके का पैर वाला रेस देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है किसान भाइयों। यहीं पर बात करें गेयरबॉक्स की, तो आपको फुली सिंक्रो मेस टाइप का गेयरबॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे बात करें गियर्स की, तो आपको 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स के साथ में किसान भाई ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है, जो फुल्ली 15 गियर के साथ में किसान भाई ट्रैक्टर आता है। सामने की तरफ आपको PTO गियर लीवर देखने के लिए मिल जाता है, PCDC ड्राफ्ट कंट्रोलर लीवर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमारे किसान भाई आसानी से अपने एम्प्लीमेंट को एडजस्ट करके चला सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पर किसान भाइयों सेम सीट के अंदर भी सोइलिस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो एडजस्टिंग सीट आती है किसान भाइयों हमारे किसान भाई के लिए, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट सीट को कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे बात करें वैक टायर साइज की, तो यहीं पे आपको 13/6/28 का टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है, जो 43 HP की कैटेगरी वाले ट्रैक्टर में बहुत ही अच्छा टायर साइज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान भाइयों ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में किसान भाइयों कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। यहीं पर बात करें दूसरी साइड से, तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। सामने की तरफ सेम JCB वाला ही गोल टाइप का साइलेंसर देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। यहीं पे बात करें तो काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में, और यहीं पे 4215 सोइलिस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, सेम वही ब्लैक कलर की ग्रिल के साथ में, काफ़ी स्टाइलिश भी देखने के लिए मिल जाता है। और सामने की तरफ भी आपको E-सीरीज की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ भाई आपको LED टाइप के इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो रात के समय पे बहुत ही अच्छी लुक निकाल के ट्रैक्टर के लिए देते हैं। और यहीं पे बात करें तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर देखने के लिए मिल जाती है, जो जीरो मेंटेनेंस के साथ में काम करती है। और यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ आपको हाइड्रोलिक फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है, ऑयल फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, और पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक का दोनों का ही पंप देखने के लिए मिल जाता है। और सामने की तरफ आपको बात करें पीछे से, तो किसान भाइयों कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। वही आपको सेम आपको LED टाइप के ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, और कंपनी फिटेड काफ़ी हैवी ड्यूटी सपोर्ट भी देखने के लिए मड़गाड़ों के बीच में मिल जाती है। सामने की तरफ रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, पानी बोतल रखने के लिए भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे बात करें तो सामने की तरफ आपको 1 ऑक्सिलरी वाल्व का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सामने की तरफ ऑक्सिलरी वाल्व का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारे किसान भाई को अलग से कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। किसान भाई 4 सेंसिंग पॉइंट के साथ में आता है ट्रैक्टर, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेंसिंग ले सकते हैं। एडजस्टिंग होकर आता है, जो हमारे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करके चला सकते हैं। यहीं पर बात करें PTO HP की, 39.5 HP की PTO पावर देखने के लिए मिल जाती है, जो बड़े से बड़े एम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है। यहीं पे बात करें किसान भाइयों लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 2000 kg की मिल जाती है, जो भारी से भारी एम्प्लीमेंट को आसानी से ट्रैक्टर उठा सकता है। गोल्ड टाइप की हेलोजन टाइप की बैकलाइट देखने के लिए मिल जाती है, वही LED टाइप का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें साइड से, तो काफ़ी स्टाइलिश तरीके का ट्रैक्टर के अंदर व्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान भाइयों सोइलिस 4215 ट्रैक्टर के बारे में था आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहीं पर बात करें ट्रैक्टर की एक्स शोरूम प्राइस की, 6,60,000 से 7,10,000 के बीच में मिल जाएगा, जो स्टेट बाई स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।